लेकिन इन्हीं दोनों के कहने की वजह से आबिद अख्तर को टिकट मिला। आबिद अख्तर को मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो डमी कैंडिडेट हैं। आबिद तो मोहरा बन गया बेचारा, आबिद तो राजनीति जानता नहीं था, नया नया राजनीति में आया, उसको लोगों ने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। सपा के नेता रह चुके थे जो अब सपा में है साहिद लारी, वो लगातार मीडिया के जरिए आप पे आरोप लगा रहे थे NRC को लेकर के, उस पर आप क्या बयान देंगे, क्या कहेंगे? कोई एक सवाल आ रहा है कि मुख्तार अंसारी का फैक्टर इस चुनाव में काम किया या नहीं किया? अब सरकार ने और शासन प्रशासन ने तो पूरा प्रयास किया चुनाव जीतने का, BJP को जिताने का, मगर काम बनाने उल्टी हो गई। सब तदबीरें कुछ ना दबाने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। न्यूज़ में इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मऊ नगर पालिका के सीट से बसपा के अरसा जमाल जो प्रत्याशी थे वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आज मऊ नगर पालिका के अध्यक्ष बन चुके हैं। और आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी के 37 साल के पूर्व नेता भी रह चुके हैं। तो इसी बीच हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और क्या कुछ रणनीति थी। सबसे पहले आपका स्वागत है कोटि में। देखिए, पहले तो आपको ये मैं सबसे पहले साफ कर दूं कि ये रिपोर्ट आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मत यानी 80,000 के आसपास वोट मिला है, तो सबसे इतना वोट किसी नगर पालिका में किसी को नहीं मिला है। और दूसरा रिकॉर्ड ये बना है कि इतना ज़्यादा वोटों से किसी नगर पालिका चेयरमैन ने चुनाव नहीं जीता है। जितने वोटों से हमने चुनाव जीता यानी 36,000 वोटों से 37,000 के आसपास, तो उतना तो मैक्सिमम लोगों ने, इक्का दुक्का लोगों ने उतना वोट पाया होगा, उतने वोट से जीतने की तो बात अलग है। तो जनता ने जो प्यार दिया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था उसकी ज़मानत जब्त हुई है, मतलब भाजपा के अलावा जितने प्रत्याशी थे सभी की ज़मानत जब्त हो गई। ज़मानत बचाने के लिए कम से कम 24,000 वोट या 25,000 वोट की ज़रूरत होती है, 1/6 हिस्सा वोट पोल वोट का चाहिए। तो BJP के अलावा किसी को नहीं मिला है, तो BJP के अलावा तमाम प्रत्याशियों की ज़मानत जब्त हुई है। हमारा एक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का फ़ायदा एक ये हुआ, कुछ वोट हमारा जो है उनको मिला है, वो ऐसे करके मिला है कि हमने 8 महीना पहले से अपना प्रचार प्रसार शुरू किया था और साइकिल पे ही वोट मांग रहे थे, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा टिकट भी कट सकता है जी। और 10 दिन पहले हमारा निशान बदल के हाथी हो गया, तो हम अपना ये मैसेज गांव-गांव में जो पहुंचाना चाहते थे, शहर में तो पहुंच गया। इसलिए आप देखेंगे कि शहर से आबिद को, सपा प्रत्याशी को, बहुत कम वोट मिला है। अब मैंने जोड़ा तो नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 2,000-2,500 से ज़्यादा वोट नहीं मिला होगा। लेकिन जो वोट मिला है 15,000, वो देहातों का वोट मिला है, क्योंकि देहातों तक ये संकेत हम पहुँचाने में असफल रहे कि हमारा सिंबल अब साइकिल नहीं, अब हाथी है, चूँकि टाइम नहीं था। तो इसीलिए 5-6,000 वोट उसमें समझिए कि और अभी कम हो गया होता अगर ये समय थोड़ा हमको ज़्यादा मिल गया होता। जिस तरह से देखा जाए कि मऊ नगर पालिका को इतना महत्व दिया गया, क्योंकि भाजपा के जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी मऊ में दौरा किए और यहाँ तक कि AK शर्मा मऊ में है, लगातार मंत्रियों का दौरा लगातार जारी रहा, तो इस बीच आपको कितना कुछ लगा था? देखिए, मंत्री तो कई आएगा और मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री भी कई एक आए, तमाम लोगों ने मीटिंगें की, 3-4, 5-5 मंत्री आए, इवन मुख्यमंत्री जी भी आए, निरहुआ जो सांसद हैं घोसी के, वहाँ के आजमगढ़ के, वो भी आए। लेकिन एक जनता जब किसी चीज़ के लिए मन बना लेती है ना, तो कुछ काम बनता नहीं। मतलब सरकार ने और शासन प्रशासन ने तो पूरा प्रयास किया चुनाव जीतने का, BJP को जिताने का, मगर काम बनाने उल्टी हो गई। सब तदबीरें कुछ ना दबाने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो ये तो सिलसिला लगा, काम करिए ना। BJP ने अगर कुछ काम किया होता यहाँ मऊ शहर में, भाई सरकार तो थी, आप सरकार थी, कर सकते थे, मगर आपने एक भी कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल जो बना था, तो उसमें डॉक्टर का इंतजाम नहीं हो पाया था, तो अभी तक ही डॉक्टर का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। सिविल हॉस्पिटल जो है हमारा सरकारी हॉस्पिटल, उसमें भी जाकर देख लीजिए कितनी बंद इंतजामी है। किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो हालात बेहतर नहीं है। काम इस सरकार ने किया नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ बात करने के लिए कुछ नहीं था, तो कितनों भी मंत्री आए वो सब संतरी बन के चले गए। जितने भी थे आपने कहा था एक बयान में कि समाजवादी पार्टी मुझसे है, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि अब देखिए, आप जब पार्टी बदले तो उसके साथ जनता भी आपके साथ आ गई। बात नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी मुझसे है। मऊ में कहीं भी नहीं कहा है भाई। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जी। और उसके हजारों लाखों कार्यकर्ता और नेता हैं, तो मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, तो मेरे से समाजवादी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा जी। लेकिन मेरा टिकट कटने से लोगों को, जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनमें बहुत नाराज़गी हुई। और ये बात सही है कि अगर समाजवादी पार्टी ने मुझको टिकट दिया होता, तो जो 10 नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी हारी, उसमें कम से कम 8 नगर पंचायतों में आज समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होता।
तो ये रिएक्शन तो हुआ, प्रभाव पड़ा है, इसका प्रभाव पड़ा है जी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी मुझसे भी, समाजवादी बहुत बड़ी पार्टी है जी। बड़े नेता हैं, हम लोग तो उसमें खतरे जैसी हैसियत रखते हैं। लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है, अब जहाँ समाजवादी पार्टी का जहाँ चेयरमैन हुआ करता था वहाँ समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, तो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी को जिन नेताओं ने गुमराह किया उनको चिन्हित करने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं ये सब जब पैसा ले लेकर टिकट बांटेंगे, सभासद तक से पैसा लिया गया टिकट देने में, और इनके सारे सभासद हार गए, सिर्फ दो सभासद 45 में सिर्फ दो सभासद जीते जबकि 24 सभासद यहाँ समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे। तो ये तो लुटिया डुबोने में जिन, अगर समाजवादी पार्टी चाहती है कि फिर से स्टैंड करे तो पहले उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक आजमगढ़ के नेताजी हैं चंदेव राम करेली, पहले बसपा में मंत्री थे वो, उन्हीं के कहने से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, और जिला अध्यक्ष और चंदेव राम करेली इन दोनों लोगों ने मिलकर बीजेपी के साथ साठगांठ किया, और बीजेपी के साथ क्या सेटिंग की मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं सेटिंग की, चाहे वो पैसे की सेटिंग रही हो चाहे कोई काम की सेटिंग रही हो मैं नहीं जानता, लेकिन इन्हीं दोनों के कहने की वजह से आबिद अख्तर को टिकट मिला। आबिद अख्तर को मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो डमी कैंडिडेट हैं। आबिद तो मोहरा बन गया बेचारा, आबिद तो राजनीति जानता नहीं था, नया नया राजनीति में आया, उसको लोगों ने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। लेकिन बसपा को बी पार्टी कहा जाता है भाजपा की, बसपा को बी पार्टी कहा जाता है भाजपा का। अब मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, आप देखिएगा आने वाले दिनों में कभी आपको ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग काम करेंगे बहुजन समाज पार्टी के लिए, प्राथमिकताएं होंगी जनता की, क्योंकि आपको अब 5 साल का समय मिल गया, माइनॉरिटीज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा और पार्टी को मजबूत किया जाएगा। क्या प्राथमिकता होंगी क्योंकि 5 साल का अब समय, आपको चेयरमैन बन गए मौके। देखिए हम तो 5 साल का मास्टर प्लान बना के चलते हैं, 5 साल का 10 साल का बना के चलते हैं, तो वो मास्टर प्लान बन रहा है, सारा खाका हमारा तैयार है, चुनाव के बहुत पहले से तैयार हम कर लेते हैं, तो उसी खाके पे काम होगा, जो बुनियादी ज़रूरी काम है वो होंगे, कहीं नरम रवैया अपनाया जाएगा, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कड़ा रवैया अपनाया जाएगा, मगर जनता की सुविधाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई एक सवाल आ रहा है कि मुख्तार अंसारी का फैक्टर इस चुनाव में काम किया या नहीं किया, अब इसका जवाब तो जनता देगी या वो लोग देंगे। वो लोग तो इस चुनाव में रहे नहीं, एक्टिव नहीं रहे, वो लोग तो खुद अपने आप में परेशान हैं, सरकार ने बिल्कुल उनको टारगेट कर रखा है, पूरे परिवार के साथ ही एकदम खिलवाड़ कर रहे हैं। बंगा मुख्तार से था, अपराधी मुख्तार थे अगर, तो अब बाकी सारे लोगों को बदले की भावना से काम करना मैं मानता हूँ कि ये उचित नहीं है, और किसी के साथ भी इस तरह की कार्रवाई हो ये उचित नहीं है। बसपा के नेता रह चुके थे जो अब सपा में हैं साहिद लारी, वो लगातार मीडिया के जरिए आप पे आरोप लगा रहे थे NRC को लेकर के, उस पर आप क्या बयान देंगे, क्या कहेंगे लोगों से? नहीं, NRC में तो मैं खुद मुल्ज़िम हूँ, किसी के आरोप लगाने से क्या होगा। मैं NRC के मामले में तो मुझे खुद बुलाया था, DM साहब और कप्तान साहब ने खुद फ़ोन करके मुझे बुलाया था, और गया मैंने, जाके वहाँ मदद भी की, और फिर मुझे ही मुल्ज़िम भी बना दिया गया। तो बहुत सारे लोग, 500 लोग मुल्ज़िम बने थे, उसमें मुझे भी मुल्ज़िम बना दिया गया, तो मेरे शहर वालों के साथ मैं खड़ा था, और मुकदमे में भी उनके साथ खड़ा हूँ, और मुकदमे में भी शहर वालों के लिए बहुत मदद किया गया, और आने वाले दिनों में चूँकि मैं भी उसी में हूँ तो सबके साथ मदद करेंगे। जेल जाएंगे जब मेरे शहर के लोग जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जेल जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत ना है ना कोई परवाह है। हम सही काम करते हैं, गलत काम से मैं हमेशा बचता हूँ, कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी के साथ फ्रेब नहीं करता, और जहाँ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ, मेरा ही तरीका है। नगरपालिका में क्या कुछ सिस्टम में अपडेट होगा या फिर वही? नहीं, बहुत सारा बदलाव होगा नगरपालिका में, जितना अपडेट हुआ है या जितना नगरपालिका आधुनिक हुआ है सब हमारे ही ज़माने में तो हुआ है। तैयब पाल की 2 मरतबा आए हैं तो उन्होंने नया क्या किया, उसी लकीर को पीटा है जो हमने बनाया है, और बर्बाद किया है नगरपालिका को, अब तो फिर नए सिरे से उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जनता जो 5 साल पे बदल दे रही है, जनता को ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मास्टर प्लान कोई बनाते हैं 10 साल का बनाते हैं तो सारी योजनाएं ठप पड़ जाती हैं, तो जनता को चाहिए कि जिसको भी मौका दें तो कम से कम 10 साल का दें, ताकि उसको योजनाओं को पूरे तरीके से क्रियान्वयन करने में आसानी हो। जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की तो उम्र हो रही है, अब हम लोग एकाध चुनाव और लड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जनता को चाहिए कि मन बना के रखे कि 10 साल का कार्यकाल दे, ताकि 10 साल में जितने हमारे सपने अधूरे हैं उन सारे सपनों को पूरा किया जा सके। ठीक, हमारे साथ मौजूद थे बसपा के नगर पालिका के अध्यक्ष अरशद जमाल जी, इन्होंने अपनी सारे बातों को रखा इसी